हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और हॉल वीडियो लेके। और आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जोस इंडिया की साड़ियों का हॉल लेके। मैंने जोस इंडिया से 4 साड़ियाँ परचेज की हैं, तो 2 साड़ियाँ मुझे रिसीव हो गई हैं, 2 शायद अभी 2 दिन में आ जाएंगी। तो अभी जो मेरे पास आ चुकी है, मैंने सोचा क्यों ना मैं उन साड़ियों का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इससे अगर आप परचेज करना चाहें वो साड़ियाँ, तो आप परचेज कर सकते हैं। और जोस इंडिया से मैंने पहले भी काफ़ी सारी शॉपिंग की है, मैंने बहुत सारे लहंगे मंगवाए हैं। आपने मेरे चैनल पे देखे होंगे, नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। और उन लहंगों को मैंने स्टिच भी कराया है। रिसेंटली मेरे देवर की शादी थी, उसमें मैंने एक मस्टर्ड कलर का लहंगा, एक ब्लैक कलर का लहंगा स्टिच भी करवाया था और पहना भी था। सभी ने मेरी तारीफ की थी। मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना कि वो लहंगा स्टिच होने के बाद में कैसा लग रहा है। तो मुझे बहुत सुंदर लगा था, सबको बहुत अच्छा लगा था वो लहंगा। स्टफ बहुत अच्छा होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगी जोस इंडिया एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको एथेनिक वियर के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आपको डिजाइनर साड़ी, सिंपल साड़ी, लहंगे, सूट, इन सभी के ढेरों ऑप्शन मिल जाते हैं। और इनके प्राइस भी इतने ज्यादा रीजनेबल होते हैं, एंड जो भी वेबसाइट पे दिखता है सेम वही आपको रिसीव भी होता है। इतने दिन से यहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ और मुझे सच में जैसा दिखा है वेबसाइट पे सेम टू सेम वैसा ही रिसीव हुआ है। और पहले के वीडियोस मेरे आप चेक कर सकते हैं। एंड अभी मैं आप लोगों के साथ इन 2 साड़ियों का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो एक रेड कलर की साड़ी है और एक बहुत ही प्यारे येलो कलर की साड़ी है। दोनों ही साड़ियाँ इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। जब वेबसाइट पे मैंने इन्हें देखा था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये साड़ियाँ सेम मुझे ऐसी ही रिसीव जैसी इस पे दिखाई जा रही है। दोनों ही सिल्क की साड़ियां हैं और सिल्क की साड़ियां विंटर्स में बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने 2 सिल्क की साड़ियां मंगवाई। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट साड़ी दिखाती हूँ, ये जो ये बहुत ही प्यारे येलो कलर की साड़ी है। तो इस टाइप की पैकेजिंग में आई थी, इस टाइप का एक बैग आया था, इसमें साड़ियां रखी हुई थी और बहुत अच्छी तरीके से पैक होके आई थी साड़ियां। तो इस टाइप की है ये फर्स्ट साड़ी। ओएमजी, कलर इतना प्यारा है। मतलब ये कलर ना, अगर आपकी खुद की हल्दी है तो उसमें भी पहन सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे बहुत येलो वाला कलर ना बहुत सुंदर लगता है, बहुत उसमें इसे पहन सकते हैं। तो ये इस टाइप की साड़ी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा वाला येलो कलर है। और ये पूरा जरी का बॉर्डर है, यहाँ रेड कलर एंड गोल्डन कलर का बहुत सुंदर इसमें काम हो रखा है। और इसका सिल्क का फैब्रिक, मतलब मैं टच कर रही हूँ इसे, मैं फील कर पा रही हूँ, मतलब इतना ज्यादा अच्छा वाला फैब्रिक है। टच करने के बाद मतलब फील होता है फैब्रिक वाला फैब्रिक की, मतलब इतना सॉफ्ट फैब्रिक है, बिल्कुल उस टाइप का फैब्रिक नहीं है। कई बार सिल्क की साड़ियां तो सबको अच्छी लगती है बट वेयर नहीं कर पाते हैं। हम इसलिए वेयर नहीं कर पाते क्योंकि उनका फैब्रिक ऐसा होता है कि हम इतना हैवी होता है कि पहन ही नहीं पाते, मैं भी नहीं पहन पाती। और ये साड़ी इतनी अच्छी कि पहनने के बाद में भी बहुत अच्छी। तो ये है इसका पल्लू, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। और इस साड़ी के साथ ना रेड कलर का ब्लाउज बहुत सुंदर लगेगा। इसके साथ येलो ब्लाउज आया बट मैं इसे जरूर रेड कलर के साथ ही पेयर करूंगी। बहुत जल्दी मैं इसका लुक भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में, मैं जब इसे पहनूंगी। तो पूरी साड़ी इस टाइप से ओवरऑल है, आप देख सकते हैं पूरा ऊपर बॉर्डर में, नीचे बॉर्डर में, पूरे में, मतलब इस तरीके से पूरा हैवी वाला वर्क हो रखा है। मतलब इतनी ज्यादा सुंदर साड़ी आप किसी भी लाइट फंक्शन में पहनो या रात के फंक्शन में पहनो, बहुत अच्छी लगेगी। और ये है इसका ब्लाउज, ये ब्लाउज एकदम प्लेन येलो कलर का आएगा। आप चाहे तो इसे ही स्टिच करवाए, नहीं तो आप इसके साथ रेड कलर का ब्लाउज पहनेंगे ना वो भी बहुत सुंदर लगेगा, बट येलो भी सुंदर लगेगा अगर सेम आप सेम कलर का पहनते हैं। फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है और पीछे से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वाली वीविंग हो रखी है। देखिए मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि फिनिशिंग अच्छी ना हो, कुछ भी ना। और इतनी लाइट वेट साड़ी है, मतलब ये कलर ही इतना सुंदर लगेगा। मैंने वेयर करके दिखाया, आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है वाली साड़ी। मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली ये वाली साड़ी, कलर इतना अच्छा है, ये वाला रेड कलर है, बहुत सुंदर साड़ी है ये वाली। जो भी प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और इसका लिंक जो है, परचेज लिंक जो भी है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं ये वाली साड़ी। तो ये वाली साड़ी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल वाली साड़ी है, आपको मतलब ये वाली साड़ी परचेज करनी चाहिए, मैं यही बोलूंगी। बहुत सुंदर साड़ी है ये वाली साड़ी। तो सेकेंड साड़ी जो है वो सेम जैसे येलो वाली थी, कलर डिजाइन जो है सेम उसी का मैंने मरून कलर मंगवाया है। रेड जैसी वो रेड थी वैसे ही सेम ये मरून कलर की है। ये कलर मतलब अगर आपकी शादी होने वाली है एंड अगर आप न्यूली ब्राइड हैं तो आपको ये कलर की साड़ी एंड इस टाइप की सिल्क साड़ी जरूर परचेज करनी चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। ये कलर तो न्यूली ब्राइड पे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे को बहुत सुंदर लगी वाली साड़ी है। न्यूली ब्राइड के मतलब हर किसी के ऊपर अच्छा लगता है, किसी भी नाइट फंक्शन में तो मतलब बहुत जचने वाला है कलर। तो ये है इस टाइप की साड़ी।
पूरी साड़ी में आपको इस टाइप का काम मिलेगा, जैसे कि उस वाली साड़ी में आपने देखा था अभी, उस टाइप से ये कलर चेंज है। बट इस पे ये कढ़ाई बहुत अच्छी, मतलब इस पे जो वर्क है बहुत अच्छा खिल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से, मतलब देख सकते हैं। माय गॉड क्या साड़ी है ये, इसका पल्लू बहुत ही प्यारा पल्लू है, वर्क इतना सुंदर है, पूरी साड़ी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब मुझे तो ये कलर बहुत पसंद है, मुझे मरून कलर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये इस टाइप से है पूरी साड़ी, और इसमें भी जो ब्लाउज है वो प्लेन दिया गया हुआ है, तो इस पर आप गोल्डन ब्लाउज भी पहन सकते हैं, बट अगर इसका सेम मैचिंग ब्लाउज भी पहनेंगे तो भी बहुत सुंदर लगे। तो मैंने भी इसका ब्लाउज स्टिच तो नहीं कराया, बहुत जल्दी करवाऊंगी, तो अभी देखती हूँ मैं इसके साथ कौन सा ब्लाउज पेयर करती हूँ। तो ये भी साड़ी है, ये दोनों सेम प्राइस की साड़ियाँ हैं, और इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी लिंक है आप देख सकते हैं। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं इन दोनों में से कोई भी साड़ियाँ, तो आप परचेज कर सकते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी वाली साड़ी है, तो आप परचेज कर सकते हैं गाइस। तो इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा वाला सिल्क है, एकदम हल्का वाला सिल्क, मतलब पहनने में इतना कम्फर्टेबल, और सिल्क जितना हल्का होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ज़्यादा पहनने में भी कम्फर्टेबल होता है। तो अगर सिल्क बहुत ज़्यादा हैवी होगा तो आप पूरे दिन अगर आपको पहनना पड़े ये साड़ी तो आप पहन नहीं सकते, बट अगर ये बहुत सॉफ्ट वाला फैब्रिक है तो अगर आपको पूरे दिन भी पहनना पड़े तो अभी आप इजिली पहन सकते हैं। मैंने दो साड़ियां भी ये मंगवाई थी, दो भी आने वाली हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो गाइस ये थी बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी, इन दोनों में से जो भी आप परचेज करना चाहो तो आप परचेज कर सकते हो, और ये वाली हाईली रिकमेंडेड है, कि मतलब ये वाली तो आपको परचेज करनी चाहिए, ये वाली साड़ी बहुत ज्यादा सुंदर है। तो गाइस ये था मेरा हॉनेस्ट रिव्यू जोस इंडिया को लेके, कि मेरा मतलब मुझे अब तक कैसी चीजें रिसीव हुई हैं और मुझे अभी कैसा रिसीव हुआ है। तो गाइस अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो गाइस आई होप सो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।